गोदावरी किनारे के नजदीक बसे हुए नासिक शहर में हम पहुंचे हैं और इस समय मैं आपको दिखाना चाहता हूं गोदावरी का रूप। गोदावरी पूरी तरह उफान पर है। अच्छी बारिश इस बार इस नासिक जिले में यहां पर हुई है। यहां के जो पानी सप्लाई करने वाले सभी डैम लबालब भर चुके हैं और यहां से पानी अब जायकवाड़ी डैम के लिए जा रहा है। करीब 200 किलोमीटर का सफर ये पानी यहां से तय करेगा और ये जायकवाड़ी डैम में जाएगा, जिससे मराठवाड़ा के कई जिलों की प्यास वहां पर बुझने वाली है। नासिक अपने आप में एक बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह है। हर 12 साल में यहां पर कुंभ का मेले का आयोजन होता है। इस बार साल 2026 और 27 में कुंभ मेला यहां पर होने वाला है। नासिक से कुछ ही दूरों पर यहां पर त्र्यंबकेश्वर में यहां पर शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग में से एक वहां पर है। ये वही जगह है जहां पर भगवान श्री राम ने यहां पर अपने वनवास के दौरान कुछ समय यहां पर बिताया था। नासिक वो ज़िला है, यहां पर मंदिरों का ज़िला इसे कहा जाता है। नासिक की अगर मैं बात करूं राजनीति की, तो इस बार नासिक लोकसभा से शिवसेना यूबीटी के सांसद यहां से चुनाव जीते थे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो सांसद है, उन्हें टिकट यहां पर देरी से मिला, जिसके चलते उन्हें यहां पर नुकसान उठाना पड़ा। पीछे गोदावरी का रूप आप देख सकते हैं। आइए लोगों से पूछते हैं कि नासिक के बारे में उनका क्या कहना है। यहाँ पर गोदावरी का पानी देखने के लिए कुछ लोग आए हैं। क्या देखने के लिए आए आप? हम यहाँ बहुत सारा पानी नदी में पूरा आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। मौसम भी बहुत बढ़िया आ रहा है, हर साल ऐसे आता है, लेकिन इस बार आज दूसरा पुल दूसरा बारिश होने के कारण बहुत सारा पानी आया है। अभी भी पानी बढ़ने की संभावना है। दो मुखी अनुमान है, उनके छाती तरफ सिर तरफ पानी आता है। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब बढ़िया। इस ब्रिज के ऊपर से भी पानी जाता है? हाँ, इस ब्रिज से ऊपर से भी पानी जाता। अच्छा। हाँ, इस ब्रिज से ऊपर से भी पानी जाता है और वातावरण भी बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। सब लोग हम घूमने आए यहाँ। कुछ चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं क्या? नहीं, चुनाव में कुछ इंटरेस्ट नहीं। वोट तो डालते होंगे ना? हाँ, डालते हैं। क्या इस बार क्या है, कौन अच्छा काम कर क्या रहा है? वो वोटिंग के बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन लाडली बहन योजना आई है। हाँ। पैसे आ रहे अकाउंट में। घर में किसने फॉर्म भरा है क्या आपके? हाँ, भरा है ना। किसने भरा है? क्या मेरी माँ ने भरा है, वाइफ ने भरा है। अच्छा है, बहुत कुछ लगा। फायदा होगा? फिर फायदा होता है चुनाव में। फिर मतलब काम आपकी नजर में कौन, सरकार रिपीट हो रही है या नहीं हो रही? नहीं, वो तो हम नहीं बोल सकते भैया जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? दीपाली पाटिल। लाडली बहन के लिए फॉर्म भरा है? लाडली बहन नहीं, चवेजत मजा। हिंदी हिंदी में, हिंदी में बात कीजिए। हिंदी नहीं, जो भी आता है आपको आप हिंदी ना बोलिए। हाँ हाँ, बताइए। माला हिंदी नहीं है। हाँ, मराठी मराठी। लाडली बहन योजनेचा मजा आम्हाला तसं काय संभव नाही आहे, पण त्यांनी सुरक्षा योजना द्यावा आम्हाला, बस तेवढे आमची मानकामना आहे। बदलापूरला झाले त्याबद्दल? हो, त्याबद्दल। अच्छा, त्रास होतो म्हणजे जाताना कुठे येताना लोकांचे छेडछाड वगैरे? त्रासचा विषय नाही आम्हाला, नाही कोणाला झाला तरी प्रत्येकालाच त्रास होतो ना। हा, म्हणून त्यांनी आम्हाला योजना समृद्ध द्यायला पाहिजे। अच्छा। इनका नाम है, ये कह रही है कि यहाँ पर लाडली बहन योजना नहीं चाहिए बल्कि सुरक्षा योजना जरूरी है और यहाँ पर लोग लड़कियों को उसका फायदा मिलना चाहिए। ये देखिए, अरे वाह वाह वाह, बोलो एकदम। क्या नाम है आपका? रामा। कहाँ, यहीं से? यहीं से। यहीं से क्या? ये मेरा गाड़ी। गाड़ी है? पैसे कहाँ लेके जा रहे हैं? पैसे कहाँ लेके? वो तो ना मेरा गाड़ी है ना, मक्के का। मक्के का? हाँ। तो क्या लगता है इस बार चुनाव आने वाले है? हाँ। कुछ चुनाव वोट भीट करते हैं क्या आप? क्या मूड मतलब? वोट करते हैं क्या? नहीं किया अभी। नहीं करते, नाम ही नहीं है अभी। किया नहीं, आया नाम वगैरह सब आया है। कौन अच्छा काम कर रहा है महाराष्ट्र में, पता है कुछ नेताओं के बारे में? पता है क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता राजनीति? अच्छा नहीं लगता। अच्छा, क्या बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा। अच्छा चल रहा है, महादेव के कृपा से। महादेव कृपा से? लेकिन महादेव कृपा से यहाँ पर सड़कें अच्छे नहीं है। नहीं, ये देखो अभी कैसा हो गया, ये बनाना चाहिए ऐसा हमको लगता है। ये तो अभी टूटने को आया है, फिर भी बनाते नहीं है, बनाना चाहिए ना। आपका क्या नाम है? मेहराज अली। मेहराज अली? मेहराज अली। कहाँ से मेहराज अली आप? मैं भुसावल से। भुसावल से, मतलब यही के है? हाँ। क्या लगता है इस बार भुसावल में किसका जोर है? अभी तो कुछ नहीं, फिलहाल तो इधर ही है, मैं कब से 7-8 महीने हो गए। अच्छा, MIM चलेगी क्या इस बार? शायद चल भी सकती। हाँ, चल भी सकती। क्या महाविकास आघाड़ी चलेगी? कौन दौड़ेगा इस बार? अभी तो कुछ बता नहीं सकते क्या है, उसके अंदर अपनों को इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, इंटरेस्ट तो है ना, आपकी वोट में बहुत बड़ी ताकत होती है। वोट तो होती है, बराबर है, सही बात है, पर कैसा है अभी वो राजनीति बात, इससे अपन दूरी है। दूरी है। हाँ। तो नजदीक कब जाएंगे राजनीति के? अब देखते देखते। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र शिंदे।
शिंदे साहब, क्या करते हैं आप? मैं इधर सर्विस करता हूँ। मैं शिंदे, कहाँ से आप? यहीं से? हाँ, इधर से। क्या मनोज जरांगे फैक्टर है नासिक में? मनोज जरांगे फैक्टर है ना, थोड़ा बहुत है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं है, एक मिडल ऑफ रेंज में है। इस बार के चुनाव में ओबीसी वर्सेस मराठा ऐसे ही देखने को मिलेगा या महायुति वर्सेस महाआघाड़ी देखने को मिलेगा, क्या देखने मिलेगा? नहीं, जरांगे पाटिल का तो फैक्टर तो है ही, ऐसा नहीं है। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन है, ऐसा भी नहीं है। 50-50 है थोड़ा। अच्छा, कौन अच्छा काम कर रहा है महाराष्ट्र के लिए? महाराष्ट्र का अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रही है। लेकिन तो सड़कें तो नहीं है नासिक में अच्छी? नहीं, सड़क गड्ढे गड्ढे नहीं, नहीं, नहीं पड़े हुए। हाँ, अभी ये बारिश ज्यादा हुआ ना सर। हाँ। ज्यादा बारिश हुआ। हाँ। बारिश की वजह से वो गड्ढे है ना। अच्छा काम करते तो गड्ढों की समस्या नहीं होती थी ना? हाँ, वो भी है। बहुत अच्छा काम रहता, अच्छा क्वालिटी का काम रहता तो इतना नहीं होना चाहिए था। काफी हो गए अभी गड्ढे, बारिश 4 दिन से लगातार बारिश चल रहा था ना, उसकी वजह से हुआ। देखिये, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ नासिक के बारे में। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। जब भी कुंभ मेला नजदीक आता है तो काफी फंड आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलती है। लेकिन बाद में रस्तों की जो हालत है वो पुरानी तरीके से वैसे ही हो जाती है। सही है ना? जी, वैसे तो है ही। मतलब अगर बारिश ज्यादा हो जाएगा तो गड्ढे तो खराब होते ही है, ऐसा नहीं होते है गड्ढे। अच्छा, आप कहाँ से बहन? हम यही से, नासिक से, भारत नगर। अच्छा, भारत नगर से। कुछ लाडली बहन योजना का फायदा मिला है क्या? हाँ, मिला ना। फॉर्म भरा? किसने? हाँ। किसने फॉर्म भरा है? सबने भरे, हमने सबने, सबको आए पैसे। पैसे आए? हाँ। आपके अकाउंट में कितने आए? 3,000 रुपए आए। 3,000? क्या लगता है कि सरकार यही आनी चाहिए, पैसे दे रही है, या फिर सरकार बदलनी चाहिए? अब अभी अभी तो हमको कुछ पता नहीं इतना। हाँ। पैसे तो अकाउंट में आए ना? हाँ, फंस रही है। बताइए, पैसे आए? आए आए, पैसे आए। कितने आए? 3,000 आए। 3,000? हाँ। अब तो ये चुनाव के बाद भी शुरू रहेगी या चुनाव से पहले ही खत्म? उनको चुन के लाए तो शुरू रहेंगे, उनको चुन के न लाए तो बंद हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो किसको चुन के लाएंगे आप? अभी देखो, पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक ने तो लाना चाहिए, लेकिन अब वो लाएंगे तो होएगा, बराबर है ना? सब पब्लिक कर सकती है, एक आदमी से थोड़ी होने वाला है चुनाव, पब्लिक के ऊपर है अभी। लेकिन आपको नहीं लगता पैसे तो दिए जा रहे, अच्छी बात है, ये पैसे देने के बजाय महंगाई कम करो, किसानों को पैसा मिलना चाहिए, नहीं लगता आपको? लगता है ना, बच्चों की फी माफ होना चाहिए, स्कूल की, बच्चे ज्यादा उच्च शिक्षण लेते हैं उनके लिए भी माफ होना चाहिए, उनको फ्री शिक्षण देने को ना, और ये महंगाई है, रोड फुट गए साहब, रोड बनाना चाहिए, आरोग्य की सुविधा? हाँ, आरोग्य की सुविधा नहीं है, सब कुछ है ना, बहुत कुछ है, आरोग्य सुविधा नहीं है। वैसे नहीं तो तुम्हारे को बोलना, मीठे तेल पर भाव पड़ गए, बढ़ गए, चावल पे भाव बढ़ गए, गेहूँ पे भाव बढ़ गए, शक्कर पे भाव बढ़ गए, सब चीज पे भाव बढ़ गए। लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही? सैलरी नहीं बढ़ रही। हा? सैलरी नहीं बढ़ रही। अच्छा, आप क्या कहना चाहती है? महंगाई तो बहुत हो गई, महंगाई तो इतनी हो गई कि आज से ज्यादा क्या करें, गरीब लोग तो पूरे ही चले गए, कोई फायदा ही नहीं गरीब लोगों का, सब पैसे वालों का काम ही है, गरीबों का कुछ काम नहीं है, गरीबों के लिए तो करना चाहिए। अभी सरकार तो गरीबों के लिए किया ना? हाँ, तो करना चाहिए ना, पर फिर भी अभी सीएम ने कहा है कि मुझे जितवा के दो। हाँ। मैं 3,000 रुपया महीना करूंगा। ठीक है ना, फिर अच्छा है ना, फिर जो सब करे तो ही अच्छा है ना सबके लिए, वो तो हम भी चाहते हैं ना कि हमारे सब गरीबों को फायदा है। 3,000 कह रहे हैं वो? 3,000 रुपए तो बच्चे के लिए लग गए। बच्चे के लिए लगता कि ये पैसे फ्री में देने से अच्छा महंगाई कम करे, अच्छी शिक्षा दे, सड़क अच्छा नहीं भी दिया तो चलेगा। हाँ। पैसा नहीं भी दिया तो चलेगा, पर बच्चों की शिक्षा होना, सब आराम होना, और महंगाई कम होना, बस जितनी भी महंगाई जरा बहुत बढ़ गई, कम होना ये, पैसा नहीं भी हो तो चलता ना। घर कैसे चलाते इतनी महंगाई में? चलाते अब कैसा भी, एक काम 4 जन खाने वाले, कैसा तो करेंगे, इतना खाएंगे पियेंगे रहेंगे, कमाने वाले 2 हाथ, खाने वाले 4 मुंह, क्या करेंगे फिर, इसके लिए सब आराम होना चाहिए। देखिए, ये महिलाएं हैं, लाडली बहन योजना का फायदा इन्हें मिला है, ये कह रही अच्छी योजना है, अगर सरकार चुन के आती है तो और पैसे मिलेंगे, और ये कह भी रही है कि अगर ये लाडली बहन पैसे नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन बच्चों की जो स्कूल की फीस है वो फीस माफ हो, अच्छा उन्हें हेल्थ केयर मिले और अच्छी सड़कें बने, ये इनकी मांग है। और जगह चलते और लोगों से बात करते हैं। मैं गोदावरी का रूप आपको बताना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से लगातार नासिक में बरसात हो रही है और देख सकते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी के कमर तक यहाँ पर पानी पहुँच चुका है। आगे जाकर वो मंदिर आपको दिख रहा है, वो मंदिर भी धीरे धीरे पानी के नीचे जा रहा है। गोदावरी के तट पर हम मौजूद हैं, यहाँ की नासिक की जनता पहुँची है, महिलाएं भी पहुँची है यहाँ पर देखने के लिए गोदावरी का रूप।
क्या नाम है आपका सर? नरेश देशमुख। देशमुख साहब क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन देशमुख मतलब मराठा? या मराठा। जरंगे पाटिल फैक्टर है यहाँ पर? चल रहा है 100%। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा नासिक में? जो पिछले साल लोकसभा में हुआ था थोड़ा ये अभी लड़की बहन की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं कि हर दिन पैसे बांट के काम होने लग गए, तो फिर गवर्नमेंट का काम ही नहीं, तो SBI का काम रहेगा नहीं, तो रिजर्व बैंक का काम हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल काम है, तो गवर्नमेंट का काम अलग ही रहता है। गवर्नमेंट का काम डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट छोड़ के पैसा बांट के काम करने लगे तो लोगों ने काम करना छोड़ देना पड़ेगा। किसको चुना के देना है और वो कौन पैसा देने वाला है, एक हिसाब से काम करना पड़ेगा मतदारों को भी। अच्छा, मतलब ये योजना का काम सही नहीं है? नहीं, कौन सी भी योजना निकालते थे 5 साल के पहले, मतलब इलेक्शन के पहले नहीं निकालना चाहिए, इलेक्शन होने के बाद 5 साल जो योजना लोगों को बेनिफिट देगी वो हिसाब से योजना निकालनी। सरकार के पास पैसे ही नहीं है? सरकार के पास पैसे नहीं, लेकिन कहाँ से ला रहे ये भी समझ में नहीं आ रहा ना। यही तो बोल रहे कि ये काम रिजर्व बैंक का काम ये कर रहे हैं, कहाँ से पैसे ला रहा है? रिजर्व बैंक का काम सरकार कर, इनका ये कहना है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, सेल्फी चल रहा है, इनसे भी बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? जोशी। जोशी पूरा नाम क्या है? नीलांबरी जोशी। नीलांबरी जोशी, क्या गृहिणी है आप या जॉब करती है? नहीं, गृहिणी है। गृहिणी है। कुछ महंगाई का असर है? महंगाई है, बढ़ चुकी है, कम हो चुकी है, क्या लगता है आपको? हाँ, बढ़ी तो है। लाडली बहन योजना में नहीं, मालूम है आपको? हाँ है, लेकिन हमें नहीं मिला है। आपको नहीं मिला है? नहीं। दुख है उसका? हाँ है। तो उन्होंने कहा था हम ज्यादातर महिलाओं को देंगे, क्या आपने ट्राई किया था फॉर्म भरने के लिए? नहीं, हमारा गवर्नमेंट जॉब है ना हस्बैंड का, तो नहीं होगा। अच्छा, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया। आपका क्या नाम है? प्रिया कुलकर्णी। कुलकर्णी, आप भी नासिक से? नासिक से। गृहिणी? हाँ, गृहिणी। महंगाई है कि नहीं है? क्या बहुत है, बहुत है, बहुत महंगाई है, सब जगह महंगाई है, सब्जी में महंगाई, सब ये चावल इधर भी महंगाई है, बहुत महंगाई है, गैस सिलेंडर भी महंगा है, गैस सिलेंडर भी महंगा है। हाँ, तो सरकार से क्या चाहती है? कुछ नहीं, थोड़ा कम हो जाए सब कुछ, सोना चांदी सब कुछ कम हो जाए। आपको नहीं लगता कि ये लाडली बहन योजना में जो पैसे दिए जा रहे हैं उससे अच्छा गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाए, अच्छा जो दूसरे जो घरेलू जरूरी चीजें हैं, मसाले हैं या फिर चावल है, उसके भी दाम कम होने चाहिए? हाँ, कम होना चाहिए ना, दाम कम होना चाहिए। ये बदलापुर में जो हादसा हुआ छोटी बच्चियों के साथ, आपको पता ही होगा। हाँ। क्या गुस्सा क्या है, क्या कहेंगे आप? लगातार ये खबरें सामने आ रही है, उसको तो मार देना चाहिए। आपको लगता है पुलिस ने गलती की है, FIR लेट दर्ज कराई? हाँ, सब कुछ लेट कराया, क्या लगता है? हाँ, गलती तो हुई है, अगर सबके सामने उसको पकड़ के पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, पब्लिक बराबर उसका हिसाब करेगी। अच्छा, पब्लिक के हवाले करना चाहिए, पब्लिक बराबर उसको मारेगी। बहुत गलत किया है, बहुत लेट बताया है उनको जो हुआ वो, और पुलिस वालों ने भी लेट किया है सब कुछ। आपका क्या नाम है? पूजा बोई। पूजा बोई। हाँ। क्या करती है आप? गृहिणी। गृहिणी, क्या लगता है महाराष्ट्र में अच्छा काम चल रहा है मुख्यमंत्री का, या फिर कोई और मुख्यमंत्री चाहिए, या घर खर्चा कैसे गुजारा चल रहा है? हमें तो उद्धव जी चाहिए। हाँ। महाराष्ट्र की शान तो उद्धव जी है, वही हाँ। चाहिए फिर। अच्छा। हाँ। क्या उद्धव जी ने क्या अच्छा काम किया था? अभी हमारा है ना बाला साहब ठाकरे से जो हमारा है मराठा समाज का, तो हमें तो मतलब उन्हीं से ये होता है कि नहीं। शिवसेना किसकी है, उद्धव ठाकरे जी की है या एकनाथ शिंदे जी की है? वो तो उद्धव ठाकरे जी की है। और ऐसा मुझे लगता है। हाँ। है ना। और काम किसका अच्छा, उद्धव जी का या शिंदे साहब का? नहीं, उनका दोनों का अच्छा है, ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये पर्सनली होता है ना कि अटैचमेंट हमारी उद्धव जी से है। उद्धव जी से अटैचमेंट है वो तो। अच्छा, क्यों, बाला साहब का प्यार भी नासिक से ज्यादा था? हाँ, ज्यादा था इस वजह से। देखिए, नासिक के बारे में बताना चाहता हूँ कि नासिक काफी अहम शहर है महाराष्ट्र का। यहाँ से जाएंगे कुछ दूरी पर तो एक ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर यहाँ पर नज़दीकी है त्र्यंबकेश्वर में, और यहाँ पर पंचवटी में दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए, उफान पर चल रही है गोदावरी माता, और ये पानी फिलहाल यहाँ से कम 150 से 200 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करेगा, और ये पानी पहुँचेगा यहाँ पर छत्रपति संभाजीनगर के जायकवाड़ी डैम में, और वहाँ पर ये प्यास बुझाएगा। वहाँ पर मराठवाड़ा जो है उसके कई ज़िलों में ये पानी पहुँचेगा, तो ये पानी वरदान है मराठवाड़ा के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश भालेराव है। मुकेश भालेराव, क्या करते हैं भालेराव जी? जॉब करते हैं हम। कहाँ पर? एक रिकवरी एजेंट हूँ मैं। रिकवरी एजेंट है। Yes. क्या माहौल क्या है पूरे नासिक में? तो बहुत बढ़िया बारिश चालू है। हाँ। 3 दिनों से कंटिन्यू बारिश चालू है। अच्छा। मजा ले रहे हैं हम सब।
फैमिली के साथ। बारिश अच्छी है? बारिश बहुत बढ़िया है, होना चाहिए। इस बार फसल भी अच्छी होगी? बहुत बढ़िया, सब जो अपने किसान भाई लोग है सब खुश हो जाएंगे। लेकिन आप कह रहे किसान भाई खुश हो जाएंगे, हम मराठवाड़ा में गए थे सोयाबीन को दाम ही नहीं है, पिछले 2 महीने में 1400 रुपये भाव कमाया है सोयाबीन को। जितनी ज्यादा फसल उतने दाम नीचे, सही है कि नहीं है? ये बात भी सही है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता मैं, सॉरी सर। लेकिन क्या इस बार नासिक में कौन जीतेगा, महाराष्ट्र में किसकी सत्ता बना रहे हैं? सर महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी आएगी सर। महाविकास आघाड़ी? यस डेफिनेटली, पूरी यहाँ पर, पूरी यहाँ पे दमकम जोर लगाएंगे, हम जोर लगाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नासिक वो जिला है यहाँ पर प्याज उत्पादक किसानों ने लोकसभा की 2 सीटें गिराई थी, एक नासिक शहर की सीट है और दूसरी डिंडोरी। हाँ सही बात है, हाँ प्याज उत्पादक किसानों ने गिराई थी, है ना? सही बात है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले अजीत पवार भी यहाँ पर पहुंचे थे। अजीत पवार ने कहा था किसानों से कि भाई साहब इस बार माफ कर देना, इस बार पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो झटका दिया था वो झटका यहाँ पर मत देना। झटका इसलिए बैठा था कि प्याज के निर्यात पर वहाँ पर केंद्र सरकार ने पाबंदी लगाई थी, जिसके चलते वहाँ पर नुकसान हुआ था। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश पत्थर फोड़े। अच्छा महेश, क्या करते हैं आप? मैं पोर्टर में काम करता हूँ। अच्छा पोर्टर में, राजनीति में रुचि रखते हैं क्या आप? राजनीति में रुचि रखता हूँ। अच्छा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी है? शरद चंद्र पवार साहब। हाँ अजीत पवार कहते हैं मेरे पास चुनाव चिन्ह है, मेरे पास विधायक ज्यादा है, मेरी पार्टी है। नहीं वो तो छीना गया है एक्चुअली, ऐसा मुझे लगता है छीना गया है। अच्छा छीना गया है। एक हमारे साथ अंकल मौजूद है, चाय पी रहे हैं, क्या नाम है अंकल आपका? संजय आगरकर। आगरकर क्या करते हैं आगरकर साहब आप? मैं इकड़े लेवा पाटीदार मध्ये सर्विस लाए। लेवा पाटीदार ला, इकड़े एक मोटी हिंदी हिंदी हिंदी। हाँ यहाँ पे एक बड़ी समस्या है कि बड़े बड़े लीटर लोग है, लेकिन यहाँ पे जैसे हरिद्वार में वगैरह जाली लगाते है, लोग नहाते है, तो अभी 15 दिन पहले एक दिन बह गया तो दुर्घटना नहीं हो सकती है, तो उसका कुछ उपाय योजना ये लोग ने करना चाहिए। तो इधर कोई सुविधा नहीं है उनके लिए कि कोई एक्सीडेंट हो जावे तो उसको तुरंत रिलीफ मिल सके। लेकिन ये स्मार्ट सिटी है ना? क्या स्मार्ट सिटी कहने के लिए वो देवेंद्र फडणवीस की है, वो हमारे लिए नहीं है ना? वो हमारे लिए होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए स्मार्ट सिटी, लीडर लोग के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा गड्ढे भी बहुत है। गड्ढे क्या, गड्ढे तो रहने वाले है, भारत देश है, ये क्या विदेश थोड़ी है। मतलब जल्दी नहीं होगा? हाँ वो तो वैसा ही रहने वाला है, खड्डे खड्डे पड़ेगे नहीं तो काम क्या मिलेगा लोगों को? बराबर है, उनको भी काम मांगता है ना। अच्छा आपका नाम क्या है? एकनाथ। एकनाथ क्या करते एकनाथ आप? बिगारी काम। बिगारी काम, मजदूरी मिलती है? हाँ मिलती है। अच्छा क्या मिलती है, रोज का कितना कमा लेते हो? 600। 600। कोई बड़ी फैक्ट्री विक्ट्री में जॉब के लिए ट्राई नहीं किया क्या? नहीं। क्यों? ऐसे ही। क्या लगता है कि ये सरकार जो योजनाएं ला रही है सही है, अच्छी है? सही है। आपके घर में फॉर्म भरा है किसने? हाँ भरा ना। किसने भरा है? मम्मी ने। और बस मम्मी ने बहन ने तीनों ने भर दिया। तीन लोग का कितना पैसा आया? 3000। एक का 3000 मतलब 9000। मतलब फायदा हुआ? फायदा हुआ। तो फिर क्या वोट जिसने पैसा दिया उसको करेंगे या सरकार बदलेंगे, क्या करेंगे आप? नहीं वो सरकार जिसने दिया तो उस वो सरकार। अच्छा और भी कुछ जगह चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि नासिक की जनता क्या सोचती है। इस समय हम नासिक के पंचवटी के कालाराम मंदिर के बाहर मौजूद हैं। देखिए ये मंदिर करीब बताया जाता है कि 2000 साल पुराना है। यहाँ पर एक इसको इतिहास, अलग तरीके का इतिहास इस मंदिर का है। ये पूर्व महाद्वार है, उसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि 1932 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश के लिए एक आंदोलन चलाया था। इसकी एक बहुत अलग मान्यता है, नासिक की पहचान है ये कालाराम मंदिर। यहाँ पर हम पहुँचे तो यहाँ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र खंडाए। खंडाए बहुत सालों पुराना मंदिर है ये मंदिर, 300-350 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर का निर्माण किया था बाजीराव रंगराव वोडेकर, आखा वो सरदार था। ये मंदिर के अंदर जो मूर्ति है राम लक्ष्मण सीता की, तीनों मूर्ति अपने गोदावरी नदी में स्वयं मिली है, ये किसी ने बनवाई नहीं, तीनों मूर्ति स्वयं मिली है। और तीनों मूर्ति काली रेती की, मैं नन्हे काली रेती की मूर्ति है, पत्थर की नहीं है, इसलिए मंदिर को कालाराम बोला जाता है। 1772 में इसका तो ये किया गया था, जीर्णोद्धार किया गया था, उससे पहले निर्माण निर्माण किया
1788 के आसपास उसका निर्माण किया गया, 1772 में वो पूरा हो गया है मंदिर, उस टाइम पे स्थापना हुआ है मंदिर का। अच्छा, क्या लगता है इस बार नासिक में भी चुनाव आने वाले हैं? चुनाव के बारे में सर अपने आइडिया नहीं है सर, हम पॉलिटिकल में जाने नहीं देते, उसमें आइडिया नहीं सर कोई। अच्छा, लेकिन लाडली बहन योजना है, कई योजनाएं भी शुरू है। अच्छा है सर, जो गरीब लोग हैं उनको पैसा मिल रहा है, अच्छा चला रहा है, औरत लोग खुश है, अच्छा है उनके लिए सर। हम नासिक से आए हैं, अहमदनगर से हम नासिक आए, ये रास्ते में गड्ढे, हर जगह ट्रैफिक, अभी सर क्यों क्यों, कौन जिम्मेदार है, क्या है ये जिम्मेदार? तो सब सब सर जिम्मेदार तो आम पब्लिक भी नहीं सर इसमें तो। अभी ये बारिश चालू है, बहुत बारिश चालू है, इसमें अभी कैसा आचार चुनाव आया है, उसमें तो काम बन नहीं सकता, पैसा आ नहीं सकता, तो कहाँ से बनेंगे पॉलिटिकल लोग सर? उनका भी कोई गलती नहीं है, तो अभी बन जाएगा सर, चुनाव के बाद सब रास्ता बन जाएगा, सब बन जाए, हो जाएगा। रास्ता खराब है, क्या वजह है सर? बारिश भी बहुत हो रहा है इधर नासिक में, बारिश बहुत है, बहुत है। अभी जब बारिश खत्म हो जाएगा तब रास्ता बनेगा, ऐसा है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा, क्या लगता है आपको? एकनाथ शिंदे अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी, क्या अच्छी क्या बात लगती है उनकी? एकनाथ शिंदे की अच्छी बात क्या लगती है आपको? अभी अच्छी बात बोले तो योजना ला रहे हैं, ये कर रहे है, लेकिन कर्ज भी बढ़ा रहे हैं ना? कर्ज भी बढ़ा रहे कर्ज निकाल कर योजना लाना कितना? महाराष्ट्र वाले चुकाएंगे ना सब? कैसे चुकाएंगे, इतना कर्जा बढ़ते जा रहा है, 8 लाख करोड़ के आसपास कर्ज हो चुका है। जीएसटी से चुकाएंगे ना सर? जीएसटी से चुकाएंगे ना? जीएसटी बढ़ाएंगे उससे चुकाएंगे सर? टैक्सेस अपने पैसे से अपन चुकाएंगे, वही अपना योजना देंगे उसमें से। आपका क्या नाम है? जालिंदर। जालिंदर, जालिंदर बताइए कि अभी कर्जे की बात निकली है, बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ रहा है क्या? अभी गवर्नमेंट को भी पता, अभी क्या तिजोरी तो खाली होने वाला है, इतना योजना कर निकलेगा तो चुनाव जीतने के लिए ना सब कुछ? चुनाव के लिए जिन दूसरा कुछ है, गवर्नमेंट बनाने का फिर तैयार करने का। अच्छा, क्या नासिक में इस बार क्या लगता है, कौन है? हम सीढ़ी के, कोपर सीढ़ी के, लेकिन हाँ कोपर गाँव के, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है इस बार महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो अभी क्या महायुति की आएगा दूसरा? आप कहाँ से? नासिक से। नासिक से। क्या लगता है नासिक में इस बार चुनाव आने वाले हैं, सब कुछ है? नासिक में तो बीजेपी ही लग जाएंगे। लग जाएगी बीजेपी, लग जाएगी नासिक। अच्छा काम है बीजेपी का? बीजेपी का काम तो अच्छा है, मोदी जी आके गए, राम मंदिर में दर्शन करवा के गए, मंदिर को निधि दे के गए, थोड़ा काम ठीक है, बारिश की वजह से थोड़ा बहुत इधर हो जा रहा है, लेकिन नासिक में बीजेपी की लग गई। रोजगार में बढ़ोतरी हुई क्या पिछले 5 साल में यहाँ पर? रोजगार में तो मोदी जी मंदिर में आके गए तब से यहाँ पे थोड़ा बहुत तो टूरिज्म बढ़ा है, टूरिज्म बढ़ा है यहाँ पे, बाकी तो ठीक चल रहा है। नई फैक्ट्री है वगैरह कुछ? फैक्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं, हम तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस जैसा तो वही बोलेंगे, जो टूरिज्म बढ़ा है हम लोग शॉप है यहाँ पे, हम लोग वही चीज़ के बारे में बताएंगे, इसके बारे में नहीं बोल सकते। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या नासिक का विकास हुआ है 5 सालों में? बेसिक इंफ्रा जो है जैसा IT सेक्टर है ना, वाटर रिसोर्सेस, नासिक का जो आसपास का इलाका है जहाँ मचमोर ये जो आप वाटर प्रोन बोलते हैं ना, बहुत पानी गिरता है लेकिन बह जाता है, तो ट्राइबल एरिया में पानी रहता नहीं रहता पहले को, आफ्टर मार्च अप्रैल। तो इंफ्रा में काम हुआ है? इंफ्रा में स्मार्ट सिटी अच्छा हुआ है, स्मार्ट सिटी अच्छा हुआ है। लेकिन स्मार्ट सिटी आप कह रहे हैं, हम तो आ रहे थे रस्तों में गड्ढे बहुत है, कहाँ पे देखा आपने? मैं आ रहा था अहमदनगर से यहाँ नासिक आया, तो स्मार्ट सिटी इंटरनल है ना सिटी में, वो तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है, लेकिन वो नासिक महानगर पालिका के अंडर आता है ना, वहाँ तो रास्ते ठीक चाहिए थे, चाहिए थे। अभी हमने स्मार्ट सिटी के अंडर देखा, पंचवटी आ रहे थे, ट्रैफिक जैम काफ़ी, आधा आधा घंटा ट्रैफिक है। ओके, बिकॉज ये जो रास्ते जो है ना वो भी छोटे छोटे है, रास्ता वही रहा, खाली नीचे उसको रिस्ट्रेट किया प्रॉपर। किसकी सरकार बना रहे आप? नहीं वो तो कुछ अभी बता नहीं सकते। अच्छा काम कौन किया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में? शिंदे ने किया है, उद्धव ठाकरे ने किया है, किसने काम अच्छा किया है? नहीं वो तो ठीक है, वो तो कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा ये योजनाएं ला रहे हैं सरकार, क्या कहेंगे? कौन सी? लाडली बहन है, देखो बेसिक है, बेसिक आना चाहिए जैसा है ना, हाथ में पैसा देने के बजाय आप ये भी इंफ्रा भी बढ़ाओ, आपको जो है ना तो आप खुद होके उसका कुछ यूज करके उसका से कमाए, ये भी लाना, ये तो अच्छा है, जो लाया जो हमारे बहने हैं उनके लिए अच्छा है, खेती के लिए होना चाहिए, फार्मर्स के लिए, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये फार्मर्स लोग जो धान पैदा करते हैं, सोयाबीन हमने घूमा है, वहाँ पर भाव ही नहीं है पूरा मराठवाड़ा में, नहीं किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सच्चाई है, सच्चाई तो सच्चाई है, ये कह रहे किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है,
हर जगह चलते और बात करते हैं लोगों से। पंचवटी से निकलकर अब हम नासिक के पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर देखिए चाय वाले का नाम क्या है, यह है मन मौजी टी स्टॉल। और चाय पीने वाले की भीड़ देखिए, बहुत ज्यादा भीड़ हमेशा यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे और लोगों से पूछेंगे भी कि क्या कहती है नासिक की जनता। मैम आपका नाम क्या है? सुवर्णा दाभड़े। अच्छा, कहाँ से आप? यहीं से? नासिक से। नासिक से। क्या चल रहा है नासिक में अभी? सरकार तो नई नई घोषणाएं कर रही है महिलाओं के लिए, लगातार लाडली बहन योजना है, उसके भी पैसे आ रहे हैं, कैसे देखती है आप इसे पूरा? नहीं, एक्चुअली मैं इसे नेगेटिवली देखती हूँ, क्योंकि ये आदत डाल रहे हैं कि पोकट का पैसा लेने की। उससे अच्छा है आप रोजगार कुछ निर्माण करो और महिलाओं को सुरक्षा ज्यादा प्रदान करनी चाहिए। इसके उसी पैसे में आप कुछ और महिला पुलिस अगर ले लेते हो तो उससे ज्यादा सुरक्षा हो जाएगी। मतलब महिला पुलिसों की संख्या ज्यादा बढ़ानी चाहिए। हाँ, तो सुरक्षा बढ़नी चाहिए। फ्री में पैसा बांटने से अच्छा है कुछ रोजगार दे दो। अच्छा। हाँ, तो संरक्षण मिलेगा महिलाओं के लिए। देखिए, ये कह रहे कि फ्री में पैसा नहीं देना चाहिए, यानी जाहिर सी बात है जो 1,500 रुपए महीने का कह रहे हैं, अभी तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे दोबारा चुनकर दो, मैं 3,000 करूंगा। नहीं चाहिए। फ्री का पैसा नहीं चाहिए। फ्री का पैसा नहीं चाहिए। देखो, अच्छी बात कह रही है, फ्री का पैसा नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? गुरु साहिब सिंह। सिंह कहाँ से? सिंह साहब यहीं से? नासिक। नासिक से। तो क्या है इस बार सिंह साहब, किसे जिता रहे हैं आप? कौन सी पार्टी आएगी महाराष्ट्र में सत्ता? जो काम अच्छा करेगा वही आएगा। सत्ता क्या बोल सकते हैं, पब्लिक के ऊपर है। तो है आप पब्लिक के ऊपर, आप भी पब्लिक है ना, वोट करते हैं ना आप? हाँ, वोट करते हैं, लेकिन क्या है अभी सबसे पहले तो जैसे इन्होंने बोला है कि महिला सुरक्षा बहुत जरूरी है सबसे पहले, उसके लिए दो स्टेट के अलग अलग ये गलत है, मणिपुर के लिए अलग और इधर के लिए अलग, ये तो कभी गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए खुद ही। किसानों का भला हुआ है पिछले 5 सालों में? किसानों का भला कोई नहीं कर सकता। क्यों? किसान का भला कैसे करेंगे बताया? किसान तो अपनी मेहनत और जितना करेगा उतना आगे इधर महंगाई बढ़ती रहती है, आप उनको कितना दोगे किसान को? उधर खत बढ़ जाएगी, खत कम, उस पर GST 18% है। 18% 5 किलो वो भी कम कर दिया, उसका वजन भी कम कर दिया DAP का 5 किलो। किसान का भला कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते किसान। लेकिन सरकार तो हमेशा कहती है हम तो किसानों के साथ। वो सिर्फ मतदान मत लेने के लिए, बाकी कुछ वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए। किसान सरकार तो जो अभी की है वो तो अडानी के साथ है। अडानी के साथ है, अडानी के साथ सरकार है ये कह रहे हैं। दादा आपका नाम क्या है? प्रशांत भोकरे। अच्छा, क्या करते हैं प्रशांत जी आप? मैं मेस में। तो महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में किसने अच्छा काम किया है? दो सरकारें होके गई है, एक उद्धव ठाकरे की और अब एकनाथ शिंदे की चल रही है, किसने अच्छा काम किया है? एकनाथ शिंदे। क्या अच्छा काम किया है? बहुत सारे काम किए उन्होंने। अच्छा, आपको मिले 1,500 रुपए? नहीं। क्यों नहीं मिले? फॉर्म ही नहीं भरा। क्यों नहीं भरा है? क्या वजह क्या है? डॉक्यूमेंट का। लेकिन आप उस कैटेगरी में बैठती है जिसमें फिर आप तो नुकसान हो गया 3,000 रुपए का? नहीं, अभी भरेंगे ना। क्या? उद्धव ठाकरे। क्यों? ये सब बकवास है, सब बाकी सब बकवास है। बकवास है। उद्धव ठाकरे का काम इतना अच्छा है? अच्छा है। CM बनेंगे? अब 100%। नहीं, पवार साहब और तो कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही अब तक CM बनने। अरे वही बनेंगे, देखो तुम। देखिए 100%। पार्टी से जुड़े हुए सबसे क्या? सबसे अच्छा नहीं, पार्टी वेटी कोई नहीं। हाँ, सबसे अच्छा। किसी पार्टी में नहीं है। सबसे अच्छा उद्धव ठाकरे। यस, कल्चर है वो आदमी को। हाँ। सुसंस्कृत है वो। अच्छा, किसी को कुछ ज्यादा बोलता नहीं, ये सब बाकी सब सलाह गाली गलोच करते रहते हमेशा। उन्हें औरंगजेब का फैन क्लब का अध्यक्ष कहा जाता है। ये तो क्या है, वो विरोधी पक्ष वाले कुछ भी बोलने वाले, इसमें क्या मतलब है? अच्छा, उद्धव ठाकरे। तो देखा आपने, ये थी नासिक की जनता। कोई कह रहे हैं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होगा, तो कोई कह रहे हैं कि ये मुफ्त की योजना है, यहाँ नहीं देना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा यहाँ पर देनी जरूरी है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24, नासिक।